हेलो स्टूडेंट्स आज की वर्कशीट हम स्टार्ट करते हैं जो कि है वर्कशीट नंबर फोर ठीक है और ये वर्कशीट है इंग्लिश की और क्लास सेवन्थ की ठीक है बच्चों तो यहाँ पे आपको अपना नेम फिल करना है यहाँ पे अपने क्लास टीचर का नेम फिल करना है तो देखिए आपकी जो बुक है ना बुक का चैप्टर है एक थ्री क्वेश्चन इंग्लिश की बुक है उसका चैप्टर है थ्री क्वेश्चन ठीक है तो इस चैप्टर के बारे में हम पढ़ने वाले हैं तो देखिए पहले चैप्टर नेम आपको यहाँ पे फिल करना है चैप्टर नेम दिया हुआ है मैंने यहाँ लिख दिया थ्री क्वेश्चंस ठीक है और यहाँ पे लिखा है रिटर्न बाय लियो लियोटॉल्सटो ठीक है किसके किसके द्वारा लिखी गई थी ये स्टोरी लियो लियोटॉल्स्टो ठीक है इसमें कैरेक्टर कौन कौन से हैं कैरेक्टर हैं इसमें द किंग द हर्मिट और द वाउंड मैन ये तीन कैरेक्टर हैं इन तीन कैरेक्टर के बारे में हम पढ़ने वाले हैं आगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टोरी कंप्लीट द समरी ऑफ द स्टोरी ये स्टोरी की समरी दे रखी है इसे आपको कंप्लीट करना है ठीक है तो चलिए स्टार्ट करते हैं वंस देयर वॉज अ किंग Who believed believed that he would not fail if know that एक किंग था जो कि विश्वास रखता था कि मुझे अगर ये तीन बातें पता चल गई तो मैं अपनी लाइफ में कभी फेल नहीं होऊंगा ठीक है तो वो तीन बातें कौन सी थी आप देखते हैं वर्ट वॉज द देखो वन लिखा है यहाँ पर तो वन ढूंढो यहाँ पे कहाँ लिखा ये लिखा राइट टाइम ऑफ एवरी एक्शन ठीक है हर चीज़ के करने का सही समय क्या होता है तो ये था इसका फर्स्ट क्वेश्चन हु वर द राइट पीपल ठीक है कौन सही व्यक्ति है टू बी विद एंड वॉट वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ठीक है सबसे इंपॉर्टेंट थिंग क्या है टू डू ही प्रोक्लेम्ड दैट ही वुड बी वुड बी अ ग्रेट रिवॉर्ड ठीक है जो भी इन आंसरों क्वेश्चन का आंसर देगा वो उन्हें क्या देगा एक रिवॉर्ड देगा ठीक है टू द पर्सन हु कैन आंसर दीज थ्री क्वेश्चन ठीक है जो भी तीनों क्वेश्चन का आंसर देगा वो उन्हें क्या देगा रिवॉर्ड तो चलिए आगे बढ़ते नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ मैनी पीपल्स कमेंट ऑल ऑल द आंसर्स गिवन बाय them ठीक है बहुत सारे पर्सन आए बहुत सारे लोग आए उन्होंने बहुत सारे आंसर्स दिए बाय दैम वर डिफरेंट ठीक है उनके आंसर क्या थे डिफरेंट थे फर्स्ट का आंसर फर्स्ट आपको यहाँ से फिल करके लिखना है ठीक है यहां मैंने नंबरिंग कर दिया वन टू थ्री तो वन का आंसर वन देखो कहाँ लिखा है इस क्लू बॉक्स में देखना है वन यहाँ लिखा है तो वन का यहाँ लिख दोगे टू यहाँ लिखा है तो टू यहाँ थ्री यहाँ लिखा है तो थ्री यहाँ ठीक है द किंग वॉज नॉट एट ऑल ठीक है सेटिस्फाई जो किंग था वो किसी से भी सेटिस्फाई नहीं हुआ खोदना द ग्राउंड द किंग रीज देर वो गड्ढा खोद रहा था और किंग पहुंचा वहाँ पे हम दो कैरेक्टर के बारे में पढ़ चुके हैं एक कौन है किंग और एक कौन सा आ गया अब हरमेट ठीक है तो चलिए आगे बढ़ द हेलमेट ग्रीटेड द किंग एंड कंटिन्यू रिगिंग ठीक है हेलमेट ने uh...